तो मित्रों विद्या और बुद्धि जिसको प्रेजेंट ऑफ माइंड भी कहते हैं, वक्तृत्व शक्ति, स्वतंत्रता, धंधा, वाणी, लेखन कला, इन सब का प्रतिनिधित्व बुद्ध देवता करते हैं। वेदांत के विषय में रुचि का जगाना, ज्योतिष विद्या में रुचि का ज्ञान होना, गणित शास्त्र में आपका ज्ञान होना, संपादक बनना, मुद्रक बनना, प्रकाशक बनना, दूसरे देश में जाकर के वहां का मंत्री पद प्राप्त कर लेना, व्यापारी बन जाना, सर्राफे का धंधा जो करते हैं लोग सुनार वो भी बन जाना, सर्राफे के धंधे से लाभ प्राप्त करना, ये सब बुद्ध देवता के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वकालत करना, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना, भगवान नारायण की भक्ति हृदय में जगना, चाचा मामा, चाची मामा मामी, मौसी और बहन की संतान, ये सब का प्रतिनिधित्व जो है वो बुद्ध देवता करते हैं। हास्य कला में प्रवीण हो जाना अथवा चित्र लेखन कला में भी बुद्ध का ही क्षेत्र माना जाता है, और जो क्रीड़ा स्थल अथवा खेल का जो मैदान होता है वो भी बुद्ध देवता के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब आप स्वयं से विचार कीजिए कि इन क्षेत्रों से संबंधित अगर कार्य क्षेत्र में आप हैं तो निश्चित है कि आपके प्रतिनिधि जो हैं वो बुद्ध देवता हैं। आप बुद्ध देवता की अनुकूलता का आकलन कीजिए अपनी कुंडली के अनुसार, और उसके बाद में अनुकूल कर बनाने के लिए, अगर प्रतिकूल हो तो अनुकूल बनाने के लिए आज मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताता हूँ। तोते को पालने से बुध देवता अनुकूल होते हैं। तांबूल, पलाश, कांसा, सुवर्ण, सीप, हाथी दांत, पन्ना, रत्न जो होता है वो, फूल फल कपूर और घी, ये सब कुछ जो है आप दान करके अपने जीवन में और बुध देवता की अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहली बार बताया कि आप अपनी आजीविका किस किस से और कैसे देख सकते हैं, तो उस सूत्र के अनुसार अगर आपकी आजीविका के स्वामी बुद्ध देवता अगर बन रहे हो तो निश्चित रूप से इन सब का धंधा करके, तोता और तोते के पिंजरे का व्यापार करके आप बहुत धन प्राप्त कर सकते हैं। हास्य कला में वो जोकर जैसे लोग होते हैं ना, वैसा कार्य करके आप बहुत धन कमा सकते हैं अपने जीवन। तो आप और भी विस्तार से जानने के लिए किसी विद्वान श्रेष्ठ ज्योतिषी से संपर्क कीजिए, और कोई ना मिले तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली देख करके आपको विस्तार से समझा कर बता दूंगा कि आपकी कुंडली के अनुसार क्या हो सकता है।